एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रवण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। पंजाब के मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को ननिहाल राणिया ग्राम में मातुश्री विद्या देवी की पवित्र कुक्षी से जन्मे व पिता श्री चरणजी लाल जैन के संरक्षण में पले 30 वर्ष की आयु में राष्ट्र संत श्रमण संघीय सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहेब के हाथों से संन्यास ग्रहण करने वाले इस सन्यासी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में आचार्य पद से नवाजा गया। आप श्रमण संघ में दीक्षित एक सर्वश्रेष्ठ ध्यानी, योगी, साधक, साधु रत्न हैं। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, संघ, संगठन व विश्वविद्यालय आदि ने आपको सम्मानित कर सात्विक गौरव की अनुभूति। हम सारा समय पुद्गलों में सुख ढूंढ रहे थे, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, खाने में, पांच इंद्रियों के विषय में। जब आप मन, बुद्धि, इंद्रियों के पार जाओगे तो सुख अपने आप प्रकट होगा। जैसे आप ध्यान की गहराई में जाते हैं, आप भूल जाते हैं अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, देह को। वो क्षण आपके, चाहे 2 मिनट है, 4 मिनट है, वो सुख का अनुभव आपको आया कि नहीं आया, पहले तुम बताओ। ये बोलो, आया कि नहीं सुख? वो सुख जो जीव का स्वभाव था, है, रहेगा, वही सुख जो अरिहंत परमात्मा में, सिद्धों में, वो मुझ में और आप में भी है। हम प्रकट क्यों नहीं हो रहा कि हमारा मिथ्यात्व और मोह इतना भारी है कि हम साता में चले जाते हैं, हम इंद्रियों के सुख में चले जाते हैं, हम पांच इंद्रियों के विषयों में, मन में, बुद्धि में, भूत में, भविष्य में चले जाते, इसका पता नहीं चलता। इसके लिए आप सूक्ष्मता से देखते हैं। आप खाना खा रहे हो, आपको भूख लगी, आपके मनपसंद की चीज़ आई, आपने हाथ लगाया, उसको छोड़ दीजिए, सुख उसमें नहीं है, वो साता है। सुख तो आपके भीतर भरा पड़ा है। अरे सुख महावीर में नहीं था, 6 महीने के बाद भगवान को उड़ के बाकले मिले, क्योंकि अब भगवान दुखी हो गए। सुख भीतर था, वो तो एक निमित्त मात्र था। तो सुख हमारे पहले सुख ढूंढो, आप स्वयं में सुख ढूंढो, अंतर में सुख भरा पड़ा है। हम साता को सुख मान रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि आप तृप्त हो गए, भोजन कर लिया, आपको गर्मी लगी, एसी में बैठ गए, आप घूमने चले गए, ये चेंज ऑफ माइंड में सुख मान लिया। ये सुख है ही नहीं, ये साता है। साता और सुख का भेद समझिए। सुख आपके भीतर आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख भरा पड़ा है। प्रकट क्यों नहीं हो रहा कि हमने साता को सुख मान लिया और सुख को गौण कर दिया। अब आप साता को गौण करेंगे, आप यहाँ तपने आए हैं, मान लीजिए आप ध्यान में बैठे हैं, मक्खी मच्छर आ रहे, आने दो, मुझे कर्म निकल रहे हैं और आपको बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को भी देखो। पीड़ा किसको हो रही है? जीव को पीड़ा होती नहीं, शरीर को पीड़ा हो रही है, होने दो। और आप जीव में उतर जाओ
तो पीड़ा चली जाएगी थोड़ी देर के बाद, और सुख बढ़ जाएगा और कर्म क्षय हो जाएंगे। ये सुख की बात आप स्वयं ढूंढो अपने भीतर, साता की चाना छोड़ो, सुख को ढूंढने का प्रयास करो, तो सुख प्रतिपल जैसे आप सैर कर रहे हो, आप जीव में स्थित हो गए तो आप सुखी हो गए। जैसे व्यक्ति जीव जीव में स्थित रहता है, अनंत सुख का एहसास करता है। हम जीव का जीव में स्थित नहीं होते, जितना समय आप जीव में स्थित रहोगे आप निरंतर सुख बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चलेगा, बिना किसी कारण के। कोई कारण नहीं, साता क्या कारण चाहिए आपको? आपको खट्टा खा लिया, आपको मीठा चाहिए, आपने कड़वा खा लिया, आपको तीखा मीठा चाहिए, तो मीठा खाते आपको लगता है मुझे सुखी हो गया। ये आपने उसको बदला है, सुख उसमें है ही नहीं। हम पूरा जिंदगी साता में सुख ढूंढ रहे हैं। देखो बचपन से लेकर अभी तक हमने सुख को देखा ही नहीं, सुख तो भीतर भरा पड़ा है। बच्चे को एक टॉफी दे दो सुखी हो जाता है, दूसरी चीज़ दे दो खिलौना दे दो सुखी हो जाता है, वो फिर छोड़ देता है, फिर दुखी हो जाता है। ऐसे हम जिंदगी भर साता के पीछे लगे रहे, और सुख आपके भीतर भरा पड़ा है। चंदन बाला को देखो कैसे कैसे उपसर्ग आए, भौरे में बंद हो गई, हथकड़ी बेड़ी लगा दी गई, अंदर बैठी रही, भूखी प्यासी बैठी रही। क्या वो दुखी थी? देखिए कितनी पीड़ा थी। और उर्द के बाकले हाथ में आए तो वो क्या कामना करती? कोई प्रभु मेरे से ले ले, ऐसी भावना। ये सुख भीतर भरा पड़ा था उसके, और कर्म काटने का अवसर आया उसका। और महावीर का भी ऐसा बना, अभिग्रह धारण किया था, राजा की लड़की हो, बाजार में बिकी हो, सिर मुंडा हो, एक पाँव अंदर हो बाहर हो, उर्द के ऐसा भगवान ने एक नारी जाति के उत्थान के लिए या कर्म काटने के लिए किया। वो कैसे 6 महीने के बाद संयोग मिलता है? तो सुख क्या महावीर को महीने महीने के बाद पारना करते थे? क्या दुखी थे? वो अपने जीव में स्थित हो जाते थे। सब जब जितना समय आप जीव का जीव में स्थित होने का पुरुषार्थ करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये पंचम काल है, कठिन है, क्योंकि चारों ओर मिथ्यात्व भरा पड़ा है, चारों ओर मिथ्यात्व भरा पड़ा है। और जैसे भगवान ने कहा 24 मिनट आप स्थित हो गए, तो वो तो भगवान ही बताएंगे, मैं नहीं कह सकता। उस समय जो धारा लगती है अतीव सुख का अनुभव होता है, पता नहीं देहातीत हो जाती है, क्या स्थिति होती है। जब आप हो गए तो अपने आप आपको अनुभव होगा। ये अनुभव नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता कि मेरा ऐसा हो गया, दैट इज़ प्रैक्टिकल। आप जैसे मिश्री खाते हो तो मिश्री मीठी लगती है, किसी को बता नहीं सकते कि मीठी होती है। कैसी मीठी होती है? अंगूर की तरह मीठी होती है, शक्कर की तरह होती है, गुड़ की तरह होती है, मीठी होती है, होती है। तो खाओगे तो पता चलेगा। ऐसे ही आप निरंतर निरंतर जीव का जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करोगे तो आपका सुख बढ़ता चला जाएगा। अब पुरुषार्थ करना, साता को गौण करना, सुख में आगे बढ़ना। जैसे कोई आपकी निंदा कर रहा है, मान लीजिए किसी ने अपमान के शब्द कह दिए, भेद कीजिए, जड़ जीव का भेद। जीव को तो कुछ कहा ही नहीं, जड़ को कहा है, जड़ मैं हूँ ही नहीं, मैं जड़ हूँ ही नहीं, ना मैं पुरुष ना स्त्री, ना छोटा ना बड़ा, ना काला ना गोरा, जीव तो जीव है। अच्छा मुझे भले के लिए कहा होगा, मेरी निंदा कर रहा है तो कर्म काट रहा है, मेरी भी कर्म काट रहा है कटवार, आप मुस्कुराओ, कितनी बढ़िया गाली दी, भला हो उसका, मंगल हो उसका, जीसस को सूली दे दी गई तो क्या शब्द निकले, ब्लेस देम दोज कर्स यू। सुकरात को जहर का प्याला दे देगी, आसान से पी लिया, और उसके मित्र कहते हैं, उसके शिष्य कहते हैं, आप बाहर आ जाओ, जहर का प्याला छोड़ दो, हम बचा लें। नहीं, सत्य मेरा है, मैं स्वीकार करता हूँ, जहर मुझे मार ही नहीं सकती, शरीर को मारेगी, मुझे कौन मार सकता है। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व में आ जाता है, अभी हमारी शुरुआत है, अनंत कृपा प्रभु की, कि प्रभु इतनी गहरी देशना दे रहे हैं, कभी चूकना मत, छोड़ना मत, जब जब अवसर मिले इस साधना को करते रहना, सुख निरंतर बढ़ता चला जाएगा। और सुख अकारण है, कोई कारण से नहीं। यदि कारण से सुख होता है तो वो सुख नहीं, वो साता है।
ध्यान में जैसे आप निर्विकार निर्विचार अवस्था में होते हैं, आप देह के बाद देहातीत हो जाते हैं, वो सुख आपको स्वतः ही अनुभव होता है, चाहे वो एक मिनट हो, दो मिनट हो, चार मिनट हो, इसकी धारा बढ़ानी। भगवान ने कहा उसकी अवधि को बढ़ाओ 24 घंटे में। अब ये 5-6 घंटे का ध्यान नहीं है, 24 घंटे में उठते बैठते चलते सोते खाते पीते हर श्वास में मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, जीव के अलावा मेरा कुछ है ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला ठसाठस भरा हुआ हूँ, मैं अकेला स्वतंत्र अस्तित्व मेरा। जैसे जैसे जीव के गुणों का चिंतन करोगे, जीव में अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति है। यही जीव सिद्धालय जाएगा, 26 देवलोक पार करके सिद्ध गति में चला जाएगा। उसके पीछे कौन सी शक्ति लगेगी जो उसको मोक्ष लेके जाएगी? जीव ही जीव की शक्ति ले जाएगी। जीव जब देवलोक में जाता है, हम देवलोक दिखाई देता है, कैसे देवलोक में चला जाता है? जीव जब महाविदे में जाता है, यहाँ भरत क्षेत्र में महाविदे कोई दिखाई देता है, कैसे महाविदे में किसी माँ की गर्भ में चला जाता है? वो जैसे जैसे वो कर्म करता है, कारमन शरीर और उसकी अवधि वहाँ ले जाती है। ये जीव की शक्ति है जो दिखाई नहीं देती। जीव का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, जीव का मन नहीं, इंद्रियाँ नहीं, कुछ भी जीव का नहीं। पर जीव सबसे शक्तिशाली है, जीव ही परमात्मा बनेगा, जीव ही सिद्ध बनेगा, जीव ही अरहंत बनेगा। केवल ज्ञान भीतर से आएगा। तीनों लोगों को देखोगे आप, पर अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह तो तोड़ना ही होगा, समय लगेगा, ज़रूर लगेगा। यदि आपकी अटल श्रद्धा जीव पर हो गई है, प्रयास करते रहो, आगे ज़रूर बढ़ते रहोगे, आगे ज़रूर बढ़ते रहो। एक प्रश्न आपने है ज्ञाता दृष्टा भाव। देखो ज्ञाता दृष्टा क्या है? जानना और देख। आपके पास आत्म ज्ञाता आत्म दृष्टा बैठे हैं, वो आपको अच्छी तरह समझाएंगे। ज्ञाता का मतलब मात्र जानना, कोई रंग नहीं, रूप नहीं, देखना नहीं, करना नहीं, स्त्री आए, पुरुष आए, छोटा आए, बड़ा आए, मात्र जीव जानने, सब में जीव। दृष्टा का मतलब देखना, अनुभव करना, यहाँ देखने का मतलब अनुभव करना। अरिहंत परमात्मा, अब आप संकल्प कीजिए, देखिए अरिहंत परमात्मा महाविदे क्षेत्र में तीनों लोगों को जानते और देखते, सातों नरकों को कि जीवों को जान रहे हैं, उसकी अवधि को जान रहे हैं, 26 देवलोकों को जान रहे हैं, पूरी मनुष्य जाति को जान रहे हैं, नरक के नेरिये को, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु सब जान रहे हैं और देख रहे हैं। और समोसरण में है, समोसरण में देव समोसरण की रचना करते हैं, वहाँ साधु साध्वी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, देव इंद्र भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, तपस्वी भी आते हैं, भगवान सबको समान देशना देते हैं। दृष्टा भाव, जानो और देखो, सबकी समान देशना है। भगवान एक समय में भी अपने दृष्टा भाव से इधर उधर नहीं होते, क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान हो गया है, केवल दर्शन हो गया है। हम उतना नहीं रह सकते, पर बार बार प्रयास करें। जीव का स्वभाव मात्र जानना और मात्र देखना है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना। हम बड़ी जल्दी क्रिया प्रतिक्रिया कर लेते हैं, आँखों ने किसी को देखा, रूप देखा, वाणी सुनी, सुगंध दुर्गंध आई, और कोई दुर्गंध आई तो नाक खोल लेते हैं, अच्छी चीज़ लगी तो उसमें रस लेने लग जाते हैं। ये पांच इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार, ये बार बार जीव को अपनी शक्ति बढ़ा देता है। ऐसे ही मन चलाकी खेलता है, बुद्धि, मन और बुद्धि, जीव ने सारी शक्ति मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी। ज्ञाता दृष्टा का भाव है कुछ नहीं, मैं अकेला, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ है ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला हूँ, मुझे चाहिए क्या, मुझे कुछ चाहिए नहीं, और मैं संपन्न परिपूर्ण हूँ और मैं अकेला हूँ। जीव अकेला था, अकेला है, अकेला। जितना एकत्व का पोषण करोगे उतना सुखी हो जाओगे। किसी संगी साथी को देखना ही नहीं, जाना नहीं, अपना अनुभव करना। तो ज्ञाता दृष्टा भाव मात्र जानोगे और देखोगे, केवल जानना और केवल देखना। बहुत गहरा प्रोसेस है ये,
कहना आसान है, जानना और देखो, जानो और देखो, पर जीव का सही स्वभाव है। यदि विभाव में आया जीव तो भूल गया ज्ञाता दृष्टा भाव। अपने पूर्ण स्वभाव में जब आप ध्यान में होते हैं, अपने स्वभाव में होते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव में होते हैं, कोई विचार नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई धारणा नहीं, कोई परंपरा नहीं, वो ज्ञाता दृष्टा भाव ये सदेगा, धीरे धीरे सदेगा। ये जीव का निज गुण है ज्ञाता दृष्टा भाव। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अवध्यायानंग, नमो लोई सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो, देवावित्तंग नमंग शांति जस धम्म श्यामम, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहू लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, चारे शरण भवे प्राणी। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल, अपने पन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोर, सूरत। दृष्टि दे गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।